नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पेशी अकेडमी से आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में एक फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन ध्यानजेगा, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे सीएससीबी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के पावर प्लांट। ध्यानजेगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएससीबी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन, जिसके अंतर्गत हम विद्युत निर्माता कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह आपका है बस्तर संभाग, यह आपका मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, यह आपका पकड़ना है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर नारायणपुर दंतेवाड़ा, कांकेर नारायणपुर दंतेवाड़ा, सुकमा बस्तर कोंडागांव, यह आपका है कबीरधाम राजनांदगांव, बेमेतरा दुर्ग बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर धमतरी, महासमुंद गरियाबंद, मुंगेली पेंड्रा बिलासपुर, मुंगेली पेंड्रा बिलासपुर, यह आपका है रायगढ़, कोरबा जांजगीर चांपा, कोरिया सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यानजेगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएसईबी छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ध्यानजेगा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। ध्यानजेगा, हम डिस्कस कर रहे हैं सीएसईबी छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। इसका हेडक्वार्टर है रायपुर के डंगनिया में स्थित है। सीएसईबी का हेडक्वार्टर रायपुर के डंगनिया में स्थित है सीएसईबी की स्थापना हुई है 15 नवंबर वर्ष 2000 को सीएसईबी की स्थापना हुई है। 15 नवंबर वर्ष 2000 सीएसईबी की स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर है रायपुर के डंगनिया में स्थित है सीएसईबी का हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना हुई है 15 नवंबर 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई है और 15 नवंबर 2000 को सीएसईबी छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है रायपुर का डंगनिया रायपुर। सीएसईबी का हेडक्वार्टर है डंगनिया रायपुर। वर्ष 2008 को सीएसईबी को 5 कंपनियों में विभक्त किया गया। 19 दिसंबर 2008 को सीएसईबी को 5 कंपनियों में विभक्त किया गया, अर्थात रीऑर्गेनाइज्ड किया गया। 19 दिसंबर 2008 को सीएसईबी को 5 कंपनियों में विभक्त किया गया, जिसमें से पहली कंपनी है छत्तीसगढ़ स्टेट
पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड सीएससीबी को 19 दिसंबर वर्ष 2000 को 5 कंपनियों में इसका रीऑर्गेनाइज कर दिया गया, 5 कंपनियों में इसे विभक्त किया गया। ध्यान दीजिएगा, पहला है सीएसपीजीसीएल छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। इसका कार्य है विद्युत का उत्पादन करना, अर्थात ये उत्पादन कंपनी है, इसका काम है विद्युत का उत्पादन करना, विद्युत उत्पादन करना। ध्यान दीजिएगा, दूसरा है सीएसपीएचसीएल छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ये आपका है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। इसका कार्य है विद्युत का धारण करना, विद्युत धारण करना, इसका एक काम है विद्युत का किसी स्थान पर धारण करना, अर्थात होल्ड करके रखना। ध्यान दीजिएगा, आगे है सी एस छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। इसका कार्य है विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, अर्थात विद्युत का हस्तांतरण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत को लेकर जाना। इसके बाद अगला है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। यहां पर ट्रेडिंग से तात्पर्य है विद्युत का व्यापार करना, किसी राज्य को या किसी कंपनी को विद्युत बेचना, विद्युत का व्यापार करना। ध्यान दीजिएगा, आगे है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड सीएसपीडीसीएल, इसका कार्य है घरों में या किसी कंपनी में विद्युत की सप्लाई देना ट्रांसफार्मर के माध्यम से, जो भी हमारे घरों में विद्युत पहुंचता है वो पहुंचाने का कार्य करता है सीएसपीडीसीएल, और हम प्रति माह जो बिजली बिल का भुगतान करते हैं वो सीएसपीडीसीएल को ही करते हैं। तो सीएसपीडीसीएल छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। इसका कार्य है विद्युत का वितरण करना। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से 19 दिसंबर वर्ष 2008 को सीएससीबी 5 कंपनियों में विभक्त हो गई, सीएसपीजीसीएल
जिसका कार्य है विद्युत का उत्पादन करना, CSPHCL जिसका कार्य है विद्युत का धारण करना, CSPTCL विद्युत का हस्तांतरण करना, CSPTCL विद्युत का व्यापार करना, CSPDCL विद्युत का वितरण करना। और यह पांचों कंपनियां कार्य करना प्रारंभ कर की है 1 जनवरी वर्ष 2009 से। इन पांचों कंपनियों की स्थापना हुई है, इस पांचों कंपनियों की स्थापना हुई है 19 दिसंबर वर्ष 2008 को। इन पांचों कंपनियों की स्थापना हुई है 19 दिसंबर 2008 को और ये पांचों कंपनियां कार्य करना प्रारंभ कर रही की है 1 जनवरी कार्य का प्रारंभ, इनके कार्य का प्रारंभ हुआ है 1 जनवरी 2009 से। CSEB छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड CSEB की स्थापना हुई है 15 नवंबर 2008 को। इसका हेडक्वार्टर है डंगनिया रायपुर। 19 दिसंबर 2008 को CSEB को 5 कंपनियों में विभक्त किया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य का विद्युत उत्पादन क्षमता। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य का विद्युत उत्पादन क्षमता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ की विद्युत क्षमता हम डिस्कस करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का विद्युत उत्पादन में भारत में क्रम है दूसरा। छत्तीसगढ़ राज्य का विद्युत उत्पादन में भारत में क्रम है दूसरा। प्रथम है महाराष्ट्र, भारत में विद्युत उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य है महाराष्ट्र और दूसरा है छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता छत्तीसगढ़ राज्य की प्रति वर्ष कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 16,454.42 मेगावाट। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 16,454.42 मेगावाट। ध्यानिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 16,454.42 मेगावाट। छत्तीसगढ़ में धान की भूसी से विद्युत उत्पादन क्षमता ये आपका है 260 मेगावाट जो कि ताप विद्युत के अंतर्गत आता है। ध्यान देगा, छत्तीसगढ़ राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 16,454.42 मेगावाट। धान की भूसी से छत्तीसगढ़ में 260 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ का कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 16,454.42 मेगावाट। ये देखते हैं किन किन
क्षेत्रों से आता है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत उत्पादन क्षेत्र, विद्युत उत्पादन क्षेत्र, विद्युत उत्पादन क्षेत्र, विद्युत क्षमता, विद्युत क्षमता, ध्यान दीजिएगा, विद्युत उत्पादन क्षेत्र, विद्युत क्षमता। सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ में ताप विद्युत, छत्तीसगढ़ में कुल ताप विद्युत, छत्तीसगढ़ में कुल ताप विद्युत प्रति वर्ष होता है 15,802 15,802.54 मेगावाट। छत्तीसगढ़ की कुल ताप विद्युत उत्पादन क्षमता है 15,802.54 मेगावाट। दूसरा है जल विद्युत, छत्तीसगढ़ में जल विद्युत 120 मेगावाट, जो कि अधिकतम सीमा है इसका 138.7 मेगावाट, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में प्रिंट हुआ है 120 मेगावाट। छत्तीसगढ़ की जल विद्युत उत्पादन क्षमता है 120 मेगावाट, लेकिन यह वास्तव में है 138.7 मेगावाट, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में प्रिंट हुआ है 120 मेगावाट। अगला है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर या परमाणु विद्युत, छत्तीसगढ़ में न्यूक्लियर या परमाणु विद्युत क्षमता है, छत्तीसगढ़ में न्यूक्लियर या परमाणु विद्युत क्षमता है 47.52 मेगावाट, 47.52 मेगावाट। आर्थिक सर्वेक्षण में प्रिंट हुआ है कि छत्तीसगढ़ में न्यूक्लियर या पावर परमाणु विद्युत क्षमता है 47.52 मेगावाट। छत्तीसगढ़ में अक्षय विद्युत ऊर्जा क्षमता, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में अक्षय विद्युत ऊर्जा क्षमता, छत्तीसगढ़ में अक्षय विद्युत ऊर्जा क्षमता है 484.36 मेगावाट। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 16,454.42 मेगावाट। छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 16,454.42 मेगावाट, जिसमें ताप विद्युत उत्पादन क्षमता है 15,802.54 मेगावाट, यह आपका है जल विद्युत 120 मेगावाट, न्यूक्लियर या परमाणु विद्युत उत्पादन क्षमता है 47.52 मेगावाट, अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता है 484.36 मेगावाट और 16,454.42 मेगावाट कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। इसमें सीएससीबी का कंट्रीब्यूशन, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का विद्युत उत्पादन क्षमता, का विद्युत उत्पादन क्षमता, सीएससीबी का विद्युत उत्पादन क्षमता, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएससीबी का विद्युत उत्पादन क्षमता, ध्यान दीजिएगा, सीएससीबी का विद्युत उत्पादन क्षमता में सबसे पहले है ताप विद्युत क्षमता, सीएससीबी का ताप विद्युत क्षमता है 3,286 मेगावाट तथा सीएससीबी का जल विद्युत उत्पादन क्षमता है वास्तव रूप में 138.7 मेगावाट। छत्तीसगढ़ में जल विद्युत उत्पादन सिर्फ और सिर्फ करता है सीएससीबी 138.7 मेगावाट। इस प्रकार से सीएससीबी की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, सीएसईबी की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता
सीएससीबी की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ताप विद्युत 3286 मेगावाट तथा जल विद्युत है 138.7 मेगावाट, यह आएगा 3424.7 मेगावाट, 3424.7 मेगावाट, अर्थात छत्तीसगढ़ में सीएससीबी की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 3424.7 मेगावाट, जिसमें से ताप विद्युत क्षमता है 3286 मेगावाट तथा जल विद्युत है 138.7 मेगावाट।